अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये हेयर टॉनिक। आपकी हेयर की सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी ये हेयर टॉनिक यूज़ करने से। ये जो हेयर टॉनिक है, इसके बारे में बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। ये सबसे पहले ये जो हेयर टॉनिक है, ये आपके बालों को ब्लैक, नेचुरली ब्लैक करता है। जो वाइट आपके ग्रे हेयर्स होते हैं उनको नेचुरली ब्लैक करता है और स्मूथ, सिल्की और लॉन्ग करता है आपके बालों को। ये देखें, न्यू इम्प्रूव्ड फार्मूले के ज़रिए है न्यूट्रिशन फॉर हेयर्स के लिए ये हेयर टॉनिक है। ये इस कदर अच्छा हेयर टॉनिक ये यूज़ किया हुआ है मैंने, ये यूज़ कर रही हूँ खुद भी। ये इस कदर अच्छा हेयर टॉनिक है कि इसे आप एक दफ़ा के यूज़ से ही आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये देखें, ये हेयर टॉनिक, ये काला कोला कंपनी आपको पता है बहुत ही पुरानी और इस कदर अच्छी कंपनी है। इनके कलर हो, कोई भी चीज़ हो, बहुत अच्छी है। इसी तरह ये उनका हेयर टॉनिक है। ये इस कदर अच्छा हेयर टॉनिक है कि आप जब भी इसको लगा के हेयर वॉश करेंगे आपको खुद उसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। ये किस कदर अच्छा है। ये इसे के बाद हेयर्स इस कदर सिल्की, स्मूथ और सॉफ्ट हो जाते हैं कि आपको ऑयल या किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये ओपन करके मैं दिखा रही हूँ, ये इस तरह का होगा। ये देखें, ये इस तरह होगा। ये देखें, नीचे लिखा हुआ डार्कनेस ग्रे हेयर, कि आप ये नेचुरल हेयर्स को ब्लैक करता है। ये आप यूज़ रेगुलरली करते हैं तो आपको जो हेयर्स के काफ़ी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएंगे और सबसे बड़ा जो ग्रे हेयर्स का आपका प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको कलर डाई किसी किस्म की लेने की जरूरत नहीं है अगर आप इसको यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये इस कदर है, इसका पूछे पूरा लिखा हुआ है। ये देख, ये पूरा इसका वार्निंग, ये सारा कुछ। ये देखिए कि डायरेक्शन ऑफ यूज़ के आपने कैसे यूज़ करना है। इसमें बस आपको ये होता है, थोड़ा थिक होता है, इसको जब भी आपने यूज़ करना है सबसे पहले इसको शेक अच्छी तरह करना है आपने। उसके बाद आप अपने हेयर्स को हेयर्स में अप्लाई करें। फिर आप इसको आपने ज़्यादा देर नहीं लगाना। जैसे हम ऑयल लगाते हैं तो हम उसको पूरी रात के लिए भी छोड़ देते हैं, उसको 6 लगा लिया तो 6-7 घंटे के लिए भी छोड़ दिया। नहीं, ये ज़्यादा इसको आपने बालों पर नहीं छोड़ना है। ये आपने लगाने के तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटे बाद हेयर को वॉश कर लेना है आपने, क्योंकि ये इतने में ही रिज़ल्ट अपना दे देता है। ये आपने तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद आपने इसको हेयर्स को वॉश कर लेना है अपने, आपको उसी में रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये आप यूज़ करें, आप मुझे कहेंगे कि ये अच्छा फॉर्मूला बताया है। ये इस कदर अच्छा है और आपके बाल इस कदर अच्छे करेगा, स्मूथ, सिल्की और शाइनी। आपको फील होगा कि आपने बालों पे कुछ अप्लाई किया था तो उसका रिज़ल्ट आया है। आप ये काला कोला यूज़ करें और इसको आप यूज़ करके मुझे लाजमी बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा, क्योंकि ये हेयर टॉनिक इस कदर अच्छा है क्योंकि ये आपके बालों को लॉन्ग भी करता है और नेचुरल ब्लैक करता है बालों को। ये आप यूज़ करें, मुझे इसके बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। टिल देन, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर आपसे मिलूँगी, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, इस अपने अपने के साथ के अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइज़।